कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. आज मैं अपने इस नए साल की सेलिब्रेशन की शुरुआत कर रही हूँ उस डिश से जिसका नाम है भापा पुली पीठा. और ये आसाम और बंगाल में बहुत बनाई जाती है. और इसके लिए मुझे चाहिए चावल का आटा, पिसा हुआ नारियल और पिसी हुई शक्कर. और मुझे चाहिए खोआ. बस ये हो गया. 3 से 4 चम्मच पिसी हुई शक्कर और 2-3 चम्मच ये डेसिकेटेड कोकोनट. इसे मैं ठंडा होने के लिए निकाल के रख देती हूँ. और अब मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ. पहले मैं इसमें डालती हूँ 1 कप पानी, इसे उबलने के लिए रखते हैं, और 2 कप चावल का आटा. लेकिन आटा इसमें तब डालूंगी जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा. तो कहा ये जाता है कि बंगाली कैलेंडर की शुरुआत एक तरह से बादशाह अकबर ने की. एक्चुअली उन्होंने सब धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म शुरू किया था, दीने इलाही. और जब वो शुरू किया था तो उसके साथ साथ सारे इंडियन कैलेंडर्स को मिला के एक कैलेंडर की शुरुआत भी की थी जिसे कहते हैं तारीख़े इलाही. अच्छा ये पानी बॉईल हो गया. अब इसमें ये चावल का आटा 2 कप, इसको हल्का सा मैं मिला के इसमें निकाल के ना भून लेती हूँ. तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुगल्स पहले इस्लामिक कैलेंडर फॉलो करते थे जो चांद की मूवमेंट्स के हिसाब से था. और भारत में जो फसल उगाई और काटी जाती है वो सूर्य के मूवमेंट्स के हिसाब से होती है. तो उन्हें ये टैक्स कलेक्ट करने की जो डेट है उसे फिक्स करने में बहुत तकलीफ होती थी. तो उन्होंने इस्लामिक कैलेंडर और पुराने बंगाली कैलेंडर जो कि सन की मूवमेंट्स पे आधारित था, उन दोनों को मिलाकर ये नया कैलेंडर शुरू किया. और इस नए कैलेंडर के हिसाब से फसल पे टैक्स देने का जो दिन निर्धारित हुआ वो था बैसाख महीने का पहला दिन, यानी कि पोइला बोईशाख. ओके ये हो गया. लेकिन ये बहुत जल्दी सूखता है तो मैं इसे मलमल से ढक देती हूँ. तो कोलकाता में ना पोइला बोईशाख की खूब धूम होती है, कमाल की सेलिब्रेशंस होती हैं, क्योंकि ये दिन ना शादी के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है. आज मुझे इनके गोल बेलने पे, मतलब ना बेल पाने पे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं इसकी एजेस तो काटने वाली हूँ. थोड़ा सा पानी भी मैं ले लेती हूँ, उससे ये अच्छी तरह से चिपक सकती हैं. डन. थोड़ा सा पहले इसमें घी लगा देती हूँ, एकदम हल्का सा. Thank you.
जरा चेक कर लेती हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, और इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इस पे पहले थोड़ा सा घी, अब ये पिस्ता कटा हुआ और मेरी फेवरेट रोज पेटल्स। मम्मा के लिए फोटो, अब इसे टेस्ट करना तो बनता है ना? बहुत अच्छा बना है रियली। रणवीर, हेलो। हेलो जी, हाउ आर यू? तुम यहाँ पे फिर से गुलाटी के मसाले लेने आ गए हो ना? यार माना अच्छे मसाले बनाता, लेकिन मैं उसको भूल तो नहीं देता मसालों के लिए। दिस फॉर यू। रियली? ओह सो स्वीट, थैंक यू। कभी कभी मैं ऐसे काम कर लेता हूँ। अच्छे सुंदर भूले, मतलब प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अरे आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मैं अब बहुत कुछ सीख गई हूँ। ओके यार, वही तुम, वही मैं और वही सिद्धू। अरे लेकिन ये सिद्धू नहीं है, ये वो पीठा है। मुझे मालूम है पीठा है, मैं टांग खींच रहा था तुम्हारी। मतलब आज बिहू मना रही हो? नहीं बिहू नहीं मना रही मैं, पोइला बोईशाख मना रही हूँ। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। यस yes. तो खा के बताओ कैसा है? है? अरे फ्रेश है एकदम सब कुछ। अरे आदत से मजबूर हूँ। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। मैं डर गई, मुझे लगा गए काम से। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।